आज मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव 2019 के अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। वहीं देपालपुर में भी मतदान केंद्रों पर फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर सीनियर सिटीजन्स तक में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। देपालपुर में मतदान केंद्रों पर फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर सीनियर सिटीजन्स मतदान करने पहुंच रहे हैं। जहां फर्स्ट टाइम वोटर्स लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वहीं सीनियर सिटीजन्स व्हीलचेयर के माध्यम से वोट करने मतदान केंद्रों पर पहुंचे। साथ ही ईवीएम के खराब होने से लोगों को लंबी कतार में लगना पड़ा और काफी इंतजार करना पड़ा। पहली बार वोट डाला और बहुत अच्छा लगा। मैं यही सबको कहना चाहूंगी कि सब भी अपना अपना वोट डालें, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती है इस देश के लिए, इस देश के विकास के लिए, तो सब अपना वोट जरूर डालें। जिला निर्वाचन अमले ने पहल की है कि जो अधिकारी व कर्मचारी जहां पदस्थ हैं, वहीं नजदीकी मतदान केंद्र पर ही मताधिकार का उपयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग की इस पहल से अधिकारी कर्मचारियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला है। नोडल अधिकारी व एसडीओपी राम कुमार राय तथा टीआई गोपाल परमार ने कतार में लगकर अपने मताधिकार का उपयोग किया, साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की। पर्याप्त बल मात्रा में लगाया है जी। इसके अतिरिक्त हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार घूम रही हैं जी। हमने इसके पहले चुनाव के पहले काफी जो असामाजिक तत्व थे उनके ऊपर कार्रवाई की है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया है जी। हमारा उद्देश्य निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव कराने पर ध्यान देना है जी। और हम इसमें सभी, आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव का ये आखिरी फेज का मतदान हो रहा है आज जी। और जिसमें इंदौर लोकसभा क्षेत्र के मतदान के अंतर्गत हमारा देपालपुर विधानसभा 203, इंदौर संसदीय सीट से विधानसभा देपालपुर के 298 बूथ पर शांतिप्रिय तरीके से मतदान हो रहा है। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, देपालपुर।